धनतेरस और दीपावली के दिन कुछ खास संकेत मिलने से जीवन में खुशियां लौट आती है। वैसे तो आज हम आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे, लेकिन दीपावली की सफाई के दौरान जब आप एक एक कोना सफाई करते हैं धनतेरस से पहले तक, तो छिपकली जो होती है घर में वो बाहर चली जाती है। लेकिन अगर धनतेरस या दीपावली की रात छिपकली दिख जाए तो वह कौन सा काम है जो करना चाहिए, और दीवार पर दिखना, सीलिंग पर दिखना, जमीन पर चलने का मतलब क्या होता है, आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें साझा करेंगे। लेकिन चलिए जानते हैं क्या इसके फल मिलेंगे। देखिए, इस बार चूंकि धनतेरस और दीपावली दोनों ही दिन, कुछ खास जो लक्षण होती है वो बताता है कि माँ लक्ष्मी कितने प्रसन्न है। दीपावली और धनतेरस के दिन छिपकली का दिखना बहुत अच्छा माना जाता है, और ऐसे में छिपकली दीवार पर आसानी से दिख जाती है। लेकिन इस समय ठंडा का मौसम है तो छिपकली वैसे भी छिप जाती है। मान्यताओं के मुताबिक छिपकली के दिखने से पैसों की तंगी दूर होती है और ज्यादा से ज्यादा धन भी आता है। वैसे इस दिन तो बहुत सारे सुकून होते हैं, लेकिन आज हम आपको जो विस्तार से बताने वाले हैं इसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहली बात कि दीपावली धनतेरस के दिन घर में अगर गलती से भी छिपकली आ जाए तो समझ लीजिए अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। कई बार क्या होता है कि जब घर में छिपकली घुस आती है लोग उसे झाड़ू मारकर भगाते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन ऐसा खुलकर भी मत करिए। छिपकली को धन आने के संकेत भी माना जाता है। जिस तरह से धनतेरस के दिन छिपकली आती है जिस भी घर में, उसी घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो ऐसे में आइए जानते हैं विस्तार से कौन सा व्यवहार छिपकली का क्या कुछ बदलाव लाता है जीवन में। अगर छिपकली आपको जमीन पर चलते हुए दिख जाए धनतेरस या दीपावली के दिन, तो इसका मतलब होता है कि घर में धन आने के नए रास्ते खुल रहे हैं। अगर छिपकली आपको इस धनतेरस या दीपावली के दिन घर का उत्तर दिशा के दीवार पर चलते हुए दिखाई दे, तो इसका भी मतलब होता है आप जल्द ही कोई बड़ा धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। छिपकली का छत पर यानी सीलिंग पर चलना धनतेरस या दीपावली की रात ऐसा दिन जाए तो घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा पूरे साल बनी रहेगी और घर में खुशियां आएगी। अगर छिपकली गिर जाए, आप देख रहे हैं छिपकली चल रही है, जा रही है, अगर आप अचानक से गिर गई तो ये अशुभ माना जाता है। इसी कारण देखिए भले ही हो लेकिन झाड़ू से नहीं भगाना चाहिए। यदि छिपकली जमीन पर गिर जाए तो हालांकि ये अपशगुन होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गिर गया तो उसके भी परिणाम बहुत अच्छे नहीं माने जाते। इसलिए जब भी कुछ ऐसा हो तो तुरंत आप हल्दी नमक लेकर अपने घर के कहीं भी बाहर निकलकर छत पर, छज्जे पर कहीं पर फेंके थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद जो भी कपड़े आपने पहने उसको पहनकर स्नान करें और शिव जी के सामने एक घी का दिया जलाएं और शिव जी से क्षमा मांगें। अगर आपने धनतेरस या दीपावली के दिन छिपकली का आवाज सुना, हमेशा ही आवाज करते रहते हैं, तब इसका मतलब है कि आपके घर माँ लक्ष्मी आ चुकी है, तो स्वागत की तैयारी करें। और एक बात, जैसे ही छिपकली दिखे तुरंत हाथ में थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा अक्षत लेकर छिपकली के ऊपर फेंक दें। ये है माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी। फिलहाल आपसे विदा, वीडियो को लाइक करें।